अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो ले रहा हूं जिसमें मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा ये लाइट्स का, जो कि बहुत ही मज़े की स्ट्रिप लाइट हैं। तो ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं, इजीली कहीं भी आप फिट कर सकते हैं, किसी डिज़ाइन में, किसी भी डिज़ाइन में इसको आप मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी शेप में इसको आप ला के लगा सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा इसमें RGB फंक्शन है, रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि हर कलर ये बनाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ इसमें डिज़ाइन है, यानी कि मूव करेंगी और ब्लिंक करेंगी, काफ़ी सारे इसमें फंक्शन है। उसके साथ एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, यानी कि आप इसको कहीं पे भी बैठे हुए रिमोट कंट्रोल के ज़रिए इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा इसको अनबॉक्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक वो है, इसकी स्ट्रिप लाइट है। इसकी मुझे सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये लगी है कि इसको आप इजीली जो है रोल कर सकते हैं, दोबारा आपने उतार के कहीं पे लगानी हो तो इसको इजीली आप रोल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके साथ एक कंट्रोलर मिलता है जिसके साथ IR सेंसर लगा है रिमोट कंट्रोल के सेंस करने के लिए। दूसरी साइड पे ये मिल जाती है RGB इसका जैक है जिसमें से रेड ग्रीन ब्लू वाइट जितने भी कलर्स हैं वो ऑपरेट होंगे और एक कॉमन होगी। तीन कलर होते हैं और एक कॉमन होती है, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर चार पिंस लगी हुई हैं, एक कॉमन होगी और बाकी तीन कलर्स की होगी। और ये इसका रिमोट है, इसमें मुख्तलिफ कलर दिए हुए हैं उसको, उसके फंक्शंस दिए हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके साथ जो नई चीज़ आती वो ये है, ये आपको सेपरेट लेना पड़ेगा 2 एम्पेयर का या 1 एम्पेयर का, 12 वोल्ट का आई गेस, हाँ 12 वोल्ट का ये चार्जर है, तो अडॉप्टर है 12 वोल्ट का और ये 2 एम्पेयर तक ठीक है। अगर आप 2 एम्पेयर का ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसके, हाँ ये तो 1 एम्पेयर का है, 1 एम्पेयर का भी ठीक है, 1-2 एम्पेयर का अगर आपको मिल जाए तो ठीक है। तो दोस्तों आप इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो ये है आई गेस 450 की मुझे ये मिली थी और 100 या 150 का आपको ये ईजीली मार्केट से ये मिल जाएगा। तो चलिए ज़रा इसको चला के भी देखते हैं। इसको अनबॉक्स तो मैंने कर लिया है, अब इसको चला कर देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं साइड पे कर लेता हूँ और इसको चला के इसका देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। मैं ज़रा सॉकेट अरेंज कर रहा हूँ, वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों सॉकेट्स को मैंने अरेंज कर लिया, ये मेरी सॉकेट है जिसमें 220 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं इसको अडॉप्टर के साथ लगा देता हूँ। इसको आपने यहाँ पे लगाना है, बल्कि इसको बाद में लगाएंगे, पहले मैं इसको लगा लूँ। इसको दोस्तों लगाने का तरीका ये है कि आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, वो चीज़ ये है, ये एक छोटा सा एरो बना हुआ है ये, और दूसरी साइड इस साइड पे भी एक एरो बना हुआ है। ये एरो आपने इसकी बिल्कुल पोलैरिटी का ख्याल करना है, अगर ये उल्टा लग गया तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये दूसरी साइड पर भी एरो है लेकिन वो एक साइड पर भी आप एडजस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पर वैसे ही लगेगा। तो चलिए ज़रा आप इसको साल लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की ये लाइट है, वैसे भी बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जब मैंने भी घर पे लाकर फर्स्ट टाइम इसको ऑन किया था तो मेरे घर पे भी बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो ये जो है ये इसकी स्पीड है, स्पीड कम ज़्यादा इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। अभी मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको इनक्रीज़ करता हूँ। उसके अलावा दोस्तों ये कलर है, मैं रेड का बटन दबाऊंगा तो सिर्फ रेड लाइट ऑन हो जाएंगी, बाकी सारी ऑफ हो जाएंगी। ग्रीन का दबाऊंगा तो ग्रीन हो जाएंगी, बाकी सारी बंद हो जाएंगी। और ब्लू का दबाऊंगा तो सारी ब्लू हो गई हैं। अब ज़रा येलो का दबाता हूँ तो ये रेड और ग्रीन दोनों ऑन हो गई हैं, जो कि दोनों को अगर किसी ऐसी जगह पर लगाया जाए कि ये दोनों मिलकर काम करें तो ये येलो कलर ही बन जाएगा। इसी तरह ये पिंक है, डिफरेंट कलर्स हैं। तो उसके अलावा वाइट कलर है, वाइट कलर को करूँगा तो दोस्तों सारी की सारी लाइट हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर वाइट कलर लेना हो तो तीनों कलर को मिक्स कर दिया जाए तो वाइट कलर बन जाता है। तो उसके अलावा दोस्तों ये फ्लैश की ऑप्शन है इसमें, उसके अलावा स्ट्रॉब की ऑप्शन है, उसके अलावा फेड की ऑप्शन है, उसके अलावा स्मूथ की ऑप्शन है। अब तीनों को ज़रा मैं सबसे पहले फ्लैश को स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके दिखा देता हूँ। ये फ्लैश की स्पीड बिल्कुल डिक्रीज़ हो गई और फ्लैश ही की मैं स्पीड इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब ये फ्लैश की फुल स्पीड है। उसके अलावा दोस्तों स्ट्रॉब पे आ जाते हैं, ये स्ट्रॉब की अब स्पीड में डिक्रीज़ करने लगा हूँ।
अब मैं स्ट्रॉप की ही स्पीड इंक्रीज करूंगा। स्ट्रॉप की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो रही। अब फेड पे चलते हैं। फेड की स्पीड सबसे पहले मैं डिक्रीज़ करता हूँ। अब मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। फेड की भी स्पीड इससे ज़्यादा नहीं है, ये फुल स्पीड है। उसके अलावा स्मूथ भी आ जाते हैं। स्मूथ की स्पीड पहले मैं डिक्रीज़ करता हूँ। अब मैं इनको इंक्रीज करता हूँ। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की लाइट का रिव्यू। अब मैं इसको किसी और जगह पे लगा के उसकी सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगा कि इसको मैंने किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। इसके अलावा दोस्तों आप इसको अपने घर घर को डेकोरेट करने के लिए घर के बाहर भी लगा सकते हैं, इंडोर भी लगा सकते हैं। अगर घर के बाहर लगाना है तो आपने इस कंट्रोलर का ख्याल करना है, उसका ख्याल करना है कि वो एक्सपोज ना हो, उसके ऊपर पानी वगैरह ना गिरे। बाकी ये जो लाइट है इसको आप जैसे मर्जी पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। इसको आप रोल अनरोल करके देख सकते हैं कि इसका किस तरह का डिज़ाइन है। ये एक पट्टी सी बनी होती है। चलिए ज़रा मैं इसको भी दिखाई दूँ जाते जाते। ये रेड कलर की सारी LED लाइट ऑन हो गई हैं, ग्रीन हो गई हैं और ये ब्लू। दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे के वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेल के बटन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी नई वीडियोज़ की। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।